हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ऑनलाइन क्लासेस 2.0 में। मैं अभिनिका, हम लोग यूपी ट्रिपल एससी पैट एग्ज़ाम के लिए पॉलिटी के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, जिसमें हमें आज फिफ्थ टॉपिक में संविधान के स्रोत यानी कि सोर्सेस ऑफ जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसके बारे में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम आज के वीडियो को, और उससे पहले आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी ज़रूर हिट करें ताकि आने वाले वीडियोस के सभी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो स्टार्ट करते हैं हम आज के टॉपिक को। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें दे रखा है कि भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था इंग्लैंड से ली गई है। देखो, मैं सबसे पहले आपको सारी बताती हूँ। संसदीय प्रणाली पूछा है, संघीय प्रणाली पूछा है, मूल अधिकार पूछा है, सर्वोच्च न्यायपालिका पूछा है। तो जो हमारी सुप्रीम कोर्ट है ना, आपको पता है वो कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से। जो हमारे मूल अधिकार हैं वो हमारे सोवियत संघ से लिए गए हैं, जबकि जो हमारी संघीय प्रणाली है वो हमने कैनेडा से ली हुई है। जबकि जो संसदीय प्रणाली है, संसद का ये जो वे है कि एक उच्च सदन होगा और एक लोअर होगा, मतलब कि उच्च और निम्न दो सदन होंगे, साथ ही साथ उस संसदीय प्रणाली में एक राष्ट्रपति होगा। तो ये जो प्रणाली है ये हमने इंग्लैंड से ली है। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा लक्षण आयरिश संविधान से अनुप्रेरित है, जिसमें दे रखे हैं नीति निर्देशक सिद्धांत, राज्यसभा में सदस्यों को मनोनय करना, राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया या मौलिक कर्तव्य। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं ये हमारी कहाँ से ली गई हैं, हमने आपको बताया ये हमारी ली गई हैं सोवियत संघ से, ठीक है। जबकि तो ये जो राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया है ये हमने कहाँ से ली है? आयरलैंड से। वहीं राज्यसभा में सदस्यों को मनोनीत करना, ठीक है, जो मनोनीत किए जाते हैं राज्यसभा के अंदर लोगों को, वो हमने लिया, ये भी हमने आयरलैंड से ही लिया है, ठीक है। जबकि नीति निर्देशक सिद्धांत जो हैं ये भी आयरलैंड से लिए हैं। और इसमें पूछा गया है कि कौन सा संविधान आयरिश संविधान से अनुप्रेरित है, अनुप्रेरित जो आएगा वो नीति DPSP ही आएंगे, ठीक है। बाकी ये जो दोनों हैं ये भी हमारे आयरलैंड से ही लिए गए हैं, ये बात याद रखिएगा। और जो मौलिक कर्तव्य हैं, मतलब ड्यूटीज़ हैं, वो तो हमारी सोवियत संघ से ली ही गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकाकी स्रोत है, मतलब सबसे ज़्यादा हमने कहाँ से लिया? जैसा कि हमें पता है कि जो भारत का संविधान है वो बहुत जगहों से, अलग अलग संविधानों से लेकर बना हुआ है, ठीक है। जिसमें से कि हमने ब्रिटिश संविधान को भी पढ़ा, हमने USA के संविधान, आयरलैंड के सिद्धांत भी कुछ लिए हैं संविधान के। तो सबसे जो बड़ा भाग है उसमें से हमारा वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत को संघीय व्यवस्था किस देश को के संघीय व्यवस्था से अधिक समानता रखती है? तो मैंने अभी आपको बताया था कि इसका आंसर हो जाएगा कैनेडा। जो भारत की संघीय व्यवस्था है ना वो सबसे ज़्यादा कैनेडा से मिलती है। याद रखें कैनेडा को कई जगह मतलब कि नॉर्थ अमेरिका भी दे रखा है। तो आप याद रखिएगा, अगर कैनेडा ना आए और नॉर्थ अमेरिका लिख रहा हो तो वही उसका आंसर हो जाएगा। वहीं भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा कहाँ से ली है? तो याद रखें, हम जानते हैं अनुसूची हैं, उसमें सातवीं सूची हमारी किस पे बात करती है? केंद्र सूची पे बात करती है, राज्य सूची पे, और समवर्ती सूची, और उसी के अंदर हमारा दे रखा है अपशिष्ट सूची, जिसमें से अपशिष्ट सूची एक अलग जगह से ली गई है और समवर्ती सूची अलग से। तो आपसे पूछे कि समवर्ती सूची कहाँ से ली गई है, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अंतर्गत संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किसकी प्रेरणा पर आधारित है? तो देखो, आपको पता है जो सातवीं अनुसूची है उसके अंदर क्या दे रखा है, कुछ शक्तियां जो हैं वो राज्य के अंदर आती हैं, ठीक है, कुछ शक्तियां जो हैं संघ की होती हैं। तो इनमें जो शक्तियों का विभाजन किया गया है, ठीक है, एक तरीके से हम इसको संघीय व्यवस्था भी कहते हैं। तो ये कहाँ से प्रेरित है? कैनेडा से ही प्रेरित है शक्तियों का विभाजन भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार लिया गया है। मौलिक कर्तव्य याद रखें, मतलब कि फंडामेंटल ड्यूटीज़, ये हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री
जो रही हमारी इंदिरा गांधी जी, उनके द्वारा सोवियत संघ से लिए गए थे। और उस टाइम का सोवियत कण आज का रूस है, इसलिए याद रखें ये रूस के संविधान से। और इसको 42वें अमिटमेंट, 42वां संविधान संशोधन के थ्रू हमारे संविधान में जोड़ा गया था। और आपको ये भी बता दूं, यहाँ पे जो ये 42वें अमिटमेंट के थ्रू ये मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे, ये टोटल 10 जोड़े गए थे, जबकि जो 11वां है ना, वो याद रखिएगा, वो 86वें संविधान संशोधन अमिटमेंट एक्ट के थ्रू जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में शामिल नीति निर्देशक सिद्धांत, जिन्हें हम इंग्लिश में DPSP भी बोलते हैं, किसके संविधान से प्रेरित है? तो अभी मैंने आपको बताया आयरलैंड से है। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का उल्लेख है, मतलब कि फंडामेंटल ड्यूटीज बोला है यहां पे, करते हुए निम्नलिखित में से किस देश का अनुसरण किया गया है? तो ये जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, ये अमेरिका देश से लिए गया है। भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली कहाँ से ग्रहण की गई है? अभी हम इसको डिस्कस कर चुके हैं फर्स्ट क्वेश्चन में, कि जो संसदीय प्रणाली है वो हमारी सेम एज ब्रिटिश के है, तो ब्रिटिश के संविधान से। भारत के संविधान निर्माताओं में न्यायिक पुनः अवलोकन के विचार को ग्रहण किया गया है। देखो, आप इसको इस तरह याद रखें कि सुप्रीम कोर्ट जो है ना, जो भारत की सर्वोच्च न्यायालय है, ये हमने कहाँ से ली है? अमेरिका से ली है, ठीक है। न्यायिक पुनः अवलोकन इसका मतलब क्या होता है, सबसे पहले ये समझना होगा। तो न्यायिक पुनः अवलोकन का मतलब होता है, जैसे जो हमारे न्यायाधीश हैं, उन्होंने जो गवाहों को मद्देनजर रखते हुए जो फैसला सुनाया है, उसको बाद में पलटा भी, मतलब कि चेंज भी किया जाता है, और उसे ही हम कहते हैं पुनः अवलोकन, न्यायिक पुनः अवलोकन। और ये जो ऐसी प्रक्रिया है, इस ये भी हमारी अमेरिका से ही ली गई है। तो दोनों चीज़ अगर कोरिलेट करके याद रखेंगे कि अमेरिका से हमने सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय भी ली है, और साथ ही साथ हमने न्यायिक पुनः अवलोकन की जो प्रक्रिया है वो भी हमने अमेरिका से लिया है। नेक्स्ट दे रखा है, कानून के समान संरक्षण वाक्य कहाँ से लिया गया है? तो ये कानून से रिलेटेड, सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड, वहीं हमारा न्यायिक पुनः अवलोकन से रिलेटेड सभी चीज़ें अमेरिका से ली गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान में आपात संबंधी उपवंद भारत शासन अधिनियम 1935 और देश के संविधान से लिए गए हैं। तो जर्मनी के विमार संविधान से ये दोनों चीज़ ली गई हैं, आपात संबंधी उपवंद जो हैं, याद रखिएगा, एक तो 1935 के एक्ट से, और जो जर्मनी का वीमर संविधान है उससे लिए गए हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को संकल्पना कहाँ से अंगीकार की गई है? बार बार बोल रही हूँ, आयरलैंड व स्पेन, ये दोनों ही याद रखें। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन करना है ना, ये भी याद रखें। आपको मैंने अभी स्टार्टिंग क्वेश्चन में ही बता दिया था कि राज्यसभा में जो लोगों को मनोनीत किया जाता है, ये भी हमने आयरलैंड से ही लिया था। संविधान के संरक्षक के रूप में सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार विश्व के किस संविधान से लिया गया है? तो अभी मैंने बताया, ये जो न्याय से रिलेटेड आए, या न्यायिक पुनः अवलोकन से रिलेटेड आए, या फिर सर्वोच्च न्यायालय से रिलेटेड आए, ये सारी चीज़ें ज़्यादातर हमने अमेरिका के संविधान से ली है। भारतीय संविधान में उल्लिखित स्वतंत्रता, समानता, बंधुता की संकल्पना किससे प्रेरित है? तो याद रखें, ये जो वर्ड है और इसकी संकल्पना है, ये एक अलग संविधान जो कि फ्रांस का संविधान है, वहाँ से ली गई है। तो स्वतंत्रता, समानता और बंधुता को याद रखिएगा, ये सारी चीज़ें हमने फ्रांस के संविधान से ली हैं। नेक्स्ट दे रखा है, भारत में कलेक्टर का पद औपनिवेशिक शासन के उधार लिया था, ठीक है। तो ये कहाँ से लिया था? ये इंग्लैंड से ही, पहले से ये कलेक्टर का पद था। ये आपको मैं बता दूँ, संविधान में जब संविधान की मीटिंग्स होती थी, ठीक है, संविधान में जब संविधान सभा में लोग जाते थे, उस टाइम पे ये कलेक्टर का पद IAS IPS ख़त्म करने की बात हो रही थी, और ये पद भी ख़त्म करने की बात थी, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ कुछ लोगों की वजह जो वहाँ पर थे, जैसे कि एक मेन नाम आता है, वो आता है हमारा सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का, जिनकी वजह अभी तक ये IAS IPS कलेक्टर का पद बना हुआ है। और ये जो है, वैसे ये पद औपनिवेशिक शासनकाल का उधार लिया है इंग्लैंड की वजह से, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विधि के समक्ष समानता। ठीक है, विधि के समक्ष सभी लोग समान हैं। ठीक है, तो ये जो है ये भी हमने इंग्लैंड के संविधान से लिया है, ये बात आप याद रखिएगा। साथ में सर्वसत्ता संपन्न संसद की अवधारणा, ये जो संसद की अवधारणा है ना, सर्वसत्ता संपन्न मतलब कि वही बनेगी जो सर्व सत्ता जीत कर आएगी, और संसद का प्रॉपर अवधारणा ये जो है ये कहाँ से ली गई है, ये भी हमारे इंग्लैंड देश से ली गई है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों, याद रखिए यहाँ पे कर्तव्य दे रखा है, मतलब कि ये पूछ रहा है कि जो हमारे ड्यूटीज हैं उनके बारे में, को शामिल करने का विचार किस देश से लिया गया, तो मैंने बताया 42वें अमेंडमेंट एक्ट और पूर्व सोवियत संघ से लिया गया था, तत्कालीन प्रधानमंत्री जो हमारी इंदिरा गांधी थी उसने इसको ऐड किया था 42वें संविधान संशोधन के थ्रू हमारे संविधान में। भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों के स्थगन संबंधी कार्यपालिका के अधिकारों को किस देश से संविधान में लिया गया है, अगर पूछा जाए कार्यपालिका एक प्रॉपर और उसका अधिकारों से रिलेटेड पूछा जाए तो ये जर्मनी देश से लिया गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा संयुक्त राज्य अमेरिका को संवैधानिक आदर्शों पर भारतीय संविधान में कौन कौन सी व्यवस्था शामिल की गई है। ठीक है, तो जैसे संघीय शासन व्यवस्था, मौलिक अधिकार जो है हमने लिए हैं, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष सर्वोच्च न्यायालय और न्याय पुनः अवलोकन, साथ ही साथ या डी उपयुक्त सभी, तो ये ज़्यादातर सभी चीज़ें जो संघीय शासन की व्यवस्था है। ठीक है, मैं बात कर रही हूँ संघीय शासन व्यवस्था, ये बात याद रखिएगा, जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, बाकी सर्वोच्च न्यायालय और न्यायालय और न्यायिक पुनः अवलोकन, ये सारी व्यवस्थाएं जो हैं ये हमने अमेरिका के संविधान से ली हैं। भारतीय संविधान के निर्माण में सर्वाधिक गंभीर प्रभाव निम्नलिखित में से किसका रहा, तो याद रखें कि सबसे ज़्यादा जो हमारे एक्ट हैं और सबसे ज़्यादा जो भाग है वो भारत सरकार अधिनियम 1935 का है, तो इसका आंसर हमारा डी हो जाएगा। भारतीय संविधान में संघवाद, ठीक है, किस देश से लिया गया है, तो ये जो संघवाद की नीति है ये हमने कहाँ से ली है, कनाडा देश से ली है। और आपको अगर हमारा आज का वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड फॉलो करें। थैंक यू सो मच।